हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। जब भी हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं या फिर आप जब भी आप कोई स्केचिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि हमेशा जो आपकी जो पेंसिल है उसकी जो लीड है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा जाता है। तो इसके लिए मैं आज ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ मैं कि जब भी हम कोई पेंसिल लेते हैं या फिर जब वो उसकी जो लीड ख़त्म हो जाती है तो उसको हम शार्पन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा मैं कि जब भी हम उसको शार्पन करते हैं या तो शार्पनर से करते हैं या फिर ब्लेड से करते हैं। तो अगर हम शार्पनर से करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि कभी कभी जो शार्पनर होते हैं उतने परफेक्ट नहीं होते, और वो जो शार्पन करते हैं तो आपका जो पॉइंट होता है बहुत ही, यहाँ देख रहे हो आप, इतना होता है। तो जब भी आप स्केचिंग करते हो या फिर शेडिंग करते हो तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इतना होता है पॉइंट। आपने कुछ बैकग्राउंड बनाया या फिर आप हेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई ड्रेस बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेफाइट पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो फिर इसमें बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हो आप कि ग्रेफाइट पेंसिल ख़त्म हो जाती है। तो एक तो ये हुआ कि आपने जब इसका यूज़ किया शार्पनर का, या फिर आप दूसरा जब ये यूज़ करते ब्लेड, हम जनरली ऐसे यूज़ करते तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमें कुछ बैलेंस नहीं होता और अभी आप देख रहे हो कि ये टूट गया। तो और ये टूट जाता है, और दूसरा जब भी आप कुछ शार्पन करते हो तो शार्पन करते करते फिर ये भी, अगर ग्रेफाइट पेंसिल है, अगर 8B है, 10B है, 12B है, तो यहाँ पे भी टूट जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो शार्पनर में भी, अगर आपको बिल्कुल ही पॉइंट चाहिए, अगर आप कुछ डिटेल करना चाहते हैं, कुछ आई वगैरह करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आईब्रोज वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ही शार्पन होना चाहिए, एकदम पॉइंट होना चाहिए ग्रेफाइट पेंसिल। तो लेकिन जब आप करते हो यहाँ पे कभी कभी तो ये टूट जाता है, इसका जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे टूट जाने के कारण, जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने उसको पॉइंट किया और पॉइंट करने के जैसे ही मैंने हल्का सा उसको चेक किया ये टूट गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको जब भी आप कुछ आर्टवर्क बना रहे होते हैं तो ये जो आपका जो कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, इसको बिगाड़ने के लिए ये बहुत काफ़ी होता है ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे निकलेंगे, ऐसा हम क्या करें जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन हो वो लंबे टाइम के लिए बने रहे, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर 3 आवर जब भी आप स्केचिंग करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो बना रहेगा, और ये जो पेंसिल है जो ऐसे टूट जा रहे हैं, जो कि आप जब भी कोई अच्छा पेंसिल यूज़ करते हो, महंगी पेंसिल भी यूज़ करते हो, तो ये सारे जितने भी है वो वेस्ट हो जाते हैं। जितने कि ये एक आप आर्टवर्क बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा ग्रेफाइट ये टूट चुका है। तो इसके हम कैसे निकल सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ है, तो इसके लिए मैं ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ आज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पेंसिल को अच्छे से आप शार्पन कर सकते हो और सेफ्टी के साथ। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये नॉर्मल जो भी आप कटर यूज़ करते हो। तो इसको कैसे करना है आपको, सिंपल जैसे मैंने पहले किया था वैसे नहीं करना है, कुछ ऐसे सिंपल आपको यहाँ पे ये जो आप थंब देख रहे हो पीछे का, और ये इसका जो शार्पन एरिया है, और ये जो आप देख रहे हो पीछे का, इसको मुझे यहाँ पे पकड़ना है और बिल्कुल ही जेंटली जैसे आप प्रेस करते हो ये ऐसे एकदम सॉफ्टली प्रेस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे ये यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये वुडन है और बहुत ही ईजिली जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, सिंपल ही हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये अपने आप से आगे जा रहा है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना शार्पन करना चाहते हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी बेनिफिट भी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये पेंसिल जो हम लोग यहाँ पे शार्पन कर रहे हैं, और जब भी आप करेंगे तो ये जो लिड आ जाती है जब यहाँ पर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही सॉफ्ट रखेंगे, और ऐसा करेंगे कि लिड तक टच ना हो, अगर टच भी हो तो हम बिल्कुल ही और जो है हैंड को और सॉफ्ट कर लेंगे,
क्योंकि लिड पे हमें ज़रा सा भी प्रेशर नहीं देना। अगर मुझे एकदम लंबे टाइम के लिए चाहिए तो हम मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और जितना आप पेशेंस के साथ जितना आराम से करेंगे उतने बहुत अच्छे से होगा और ये टूटेगा भी नहीं। हो सकता है कि पहला जो आप ट्राई करें तो शायद उसमें टूट जाए, लेकिन आपकी जो एक प्रैक्टिस है वो आपके आने वाले जितने भी स्केचेस हैं, आपके जितने भी आर्टवर्क हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और इनको थोड़ा और बेटर कर देंगे यहाँ से। और जब भी आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई रफ़ पेंसिल है या फिर आप जिसको वो बिल्कुल ही कम यूज़ करते हैं तो उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आप मेन पेंसिल पे यूज़ करेंगे तो शायद हो सकता है कि पहली ट्राई में आपसे वो टूट जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको कि आप सेफ्टी, आप कोई ऐसा ही पेंसिल यूज़ करें जो आप कम यूज़ करते हैं, और उस पर जो प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप अपने जो रेगुलर पेंसिल है जिस पे आप प्रीफाइड पेंसिल है जिसको आप यूज़ करते हैं उस पे प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये मैं थोड़ा इसको प्रेजेंटेबल भी बना रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने अचीव किया। अभी आप देखो कि जब भी आप स्केचिंग करोगे या शेडिंग करोगे तो कितने लंबे तक टाइम तक जाएगी। अगर मैं इसको ही हेयर करता हूँ, मैं हेयर करने के साथ साथ अगर मैं इसको बैकग्राउंड भी बनाता हूँ मैं, तो इसका बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया था कि और क्या क्या बेनिफिट है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जब हम स्केचिंग जब करते हैं तो ये जब पॉइंट से करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये पॉइंट होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो इसका जो ग्रेफाइट का सरफेस है सिर्फ ये इतने पॉइंट के लिए जाता है। अगर आप उसको ही ऐसे करते हो तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम पहले इसको थोड़ा सा शार्पन करेंगे एक एरिया जहाँ पे हमें पूरा फ्लैट सरफेस एरिया हमें बनाना है। तो ये इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब भी हमें कुछ बैकग्राउंड बनाना हो तो आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा सरफेस ले रहा है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बहुत बड़ा है। और ये जो पॉइंट से हम जब करते हैं, ये पॉइंट से और यहाँ पे, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे अभी आप देखो कि जब भी आप कुछ शेडिंग करते हो या फिर आप बैकग्राउंड करने वाले हैं तो या क्लॉथ होता है या फिर आप नॉर्मली आप जब भी स्किन पे एक पहला टोन डालते हो, पहला जो लेयर डालते हो, तो वहाँ पे एक, या तो मैं इसको ऐसे करूँ सबको इंडिविजुअली यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मुझे शेड करना है, या फिर मैं इसको
ऐसे करूँ, तो आप देख रहे हो कि एक या दो स्ट्रोक में ही वो सारे हो गए। तो इससे क्या होगा, आपके जो टाइम है वो बचेगा, क्योंकि स्केचिंग में आप जब भी बड़ा टाइम ले लेता है हेयर में या फिर बैकग्राउंड में या क्लॉथ में या फिर शेडो एरिया जो आप देख रहे हो, तो उसमें बड़ा से बड़ा टाइम ले लेता है। तो इसको हम सेव कर सकते हैं ये इस टेक्निक से, जैसे आप देख रहे हो अभी। तो ये जो चीज़ें हैं आप खुद से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को आप, आपकी जो टाइम है और टाइम जो है वो खुद से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये जो दोनों पेंसिल हैं, और दोनों पेंसिल में भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इससे आपको और क्या क्या बेनिफिट होती हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे बताएं, या फिर आपसे होती हैं नहीं होती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो भी आप बताएं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।